चलिए भैया आपको एक नया जगह एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। आपने सुना होगा लुधियाना का एयरपोर्ट बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हलवारा लिखा हुआ है ना, वो लुधियाना जो आता है उसकी लैंडिंग यहाँ पे होगी। उसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा पीछे ट्रैक्टर बहुत तेज आ रहा है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत फास्ट रहता है। एक बार यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करिए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बन के शुरू हो गया है, कितना बन चुका है, कब तक बन के तैयार होगा, थोड़ी सी आपको अपडेट देंगे। पहला चीज, जब आप लुधियाना से और रायकोट के रास्ते पे आओगे, मुंडापुर से एक टर्न करके ये सड़क आएगा, हलवारा एक गांव होता है जो नहर दिख रही है, वहां से राइट टर्न करना है। अभी मैं यहां से अपना मीटर पे कर देता हूं जीरो, देखते हैं कितना मीटर यहां से पड़ता है। अभी जीरो कर दिया हूं टोटल। ये सड़क फॉलो करते हुए आपको जाना है, करीब 3 से 4 किलोमीटर जाना होगा, एतियाना बोलते हैं, एतियाना गाँव की तरफ में ये गाँव आएगा। गाँव से पहले ही आपको राइट साइड में पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे कितना अपडेट है। 40 किलोमीटर का यहाँ स्पीड दे दिया है, इससे तेज आपको नहीं चलना है, क्योंकि टर्निंग रहता है, स्नेकी रोड्स है, कई बार कुछ होगा, जंक्शन होगा, तो इनका कॉशस दिया हुआ है। पतली पुलिया भी आगे का ट्रायंगल बनाया गया है कि थोड़ा सा धीरे जाइए, ज़्यादा तेज मत जाओ, कई बार सामने से ब्लाइंड टर्निंग है तो कोई भी सामने से आके आपको ठोक सकता है, या आप उसको ठोक सकते हो, तो फालतू की चीज़ें होंगी। वो सामने वाला कौन से मूड में है, वो खुद चल रहा है या उसको दवाएँ चला रही हैं, वो दवाएँ आप समझ जाओ होम्योपैथिक का कई बार लोग पी लेते हैं, तो उन दवाओं का नाम नहीं जानता हूँ, उनकी ब्रांडे आती हैं यहाँ पे, थोड़ा फेमस है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मेडिसिन वो चला रही उनको या खुद चल रहा है ये पता नहीं होता है। तो अपने आपको खुद को सेफ्टी के साथ चलना है। राइट साइड में देखो नहर जा रही है, नहर किनारे फॉलो करना है। अगर आपको एयरपोर्ट बन जाएगा 2-3 साल में तो बन ही जाएगा, अगर आपको यहाँ पे जमीन वमीन मिलता है ले लो टाइम से यार, सब लोग घर बनाओ यहाँ पे, गेस्ट हाउस बनाओ, क्योंकि लोग दूर दूर से आएंगे, मिनिमम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें तो आएंगी, कनाडा से कम आएगा यहाँ पे, कनाडा के लोग आएंगे यहाँ पे रहेंगे लोग, लुधियाना कोई दूर से जो चंडीगढ़ से विदेश से कोई भी आएगा तो यहाँ पे उसको गेस्ट हाउस चाहिए होगा, रुकने के लिए रूम चाहिए होगा। छोटे छोटे सराउंडिंग्स है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कैसा होगा, कैसे जाएं, रास्ता क्या होगा, रास्ता कैसा है, ट्रैफिक क्या है, वहाँ पे सुविधाएं क्या है, मैं जाऊँगा चाय पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई चीज़ें दिमाग में घूमता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। ये बंद कमरे में जब वीडियो देखते हैं तो वो समझ नहीं आता है, जब हमारे ऊपर बीतता है कि यार अब मुझे अचानक कनाडा जाना है, अब कैसे जाऊँ, पता नहीं लुधियाना से फ्लाइट है, अब लुधियाना से आओगे बोलो लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तब डूडोगे 50 किलोमीटर दूर है तो यार लुधियाना से, तो वो चीज़ें आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा लुधियाना जाए कैसे। यहाँ तक ई रिक्शा भी नहीं चलता है, ऑटो भी नहीं चलता है, आपको अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा पहला चीज़ तो कभी भी इधर आइएगा, हो सकता है बीच में यहाँ पे जो ट्रैफिक बढ़ेगा जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका ऑपरेटिव हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा, अभी तो कुछ नहीं है, गांव भी बहुत दूर दूर है। अभी मैं एतियाना की तरफ चल रहा हूँ, हलवारा एयरपोर्ट जरूर बोला जाएगा जो बहुत दूर है यार, मान लो अभी तक 2 किलोमीटर आ गया हूँ जहाँ पे टर्न लिया था हलवारा गांव से। आपको छोटा छोटा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहेंगे हमारे साथ, तब तक आप लगातार बने रहिए। अभी बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको पहुँच बताता हूँ कितना दूर आया हूँ, मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करते रहूँगा, जो छोटे अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। नॉर्मली दूर तो है, सिंगल रोड है, बहुत तेज़ गाड़ियाँ यहाँ पे लोग चलाते हैं, मैं नॉर्मली 60 पे चलना हूँ तो उस हिसाब से 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही जा पाऊँगा, तो 2 से 3 किलोमीटर रहता है, 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। लेफ्ट साइड में दिखाइए कोई चर्च है क्या है, चर्च नहीं है, गुरुद्वारा लग रहा है, किसी का घर है गुरुद्वारा का शेप में दिया हुआ है उसका। यार गेहूँ देखो, गेहूँ की फसल कितनी है, नीचे की तरफ दिखाइए थोड़ा सा, वाह क्या गेहूँ है यार, मज़ा आ गया देखते ही, हरी भरी फसलें दोनों तरफ। राइट साइड में थोड़ा सा दिखाइए इनको, खेती तो अच्छा होता है पंजाब में, कोई डाउट नहीं है इसमें। सरसों भी देखिए यार, बसंता निकल गया, बसंत पंचमी था, सरसों का नॉर्मली उसका फूल का जो पूजा करते हैं, पीला वाला फूल है वो, तो सरस्वती माता को चढ़ाते हैं हमारे तरफ, और पहुंच रहे हैं। अभी देखो एयरपोर्ट की बाउंड्री शुरू होने वाली है, राइट साइड में व्हाइट कलर की जो बाउंड्रियाँ हैं, एयरपोर्ट की बाउंड्री है, अभी देखते हैं अंदर जाने मिलेगा कि नहीं जाने मिलेगा। राइट साइड में दिखाइए इनको जो बाउंड्री दिख रही है, एयरपोर्ट दिख रहा है थोड़ा सा, लगभग 45% या 50% तक बन चुका है, अभी आधा बना है आधा बाकी है, मिनिमम 102 साल लगेगा। जब भी मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब में तो लोग दिखाते हैं कि बन के तैयार हो गया है, ऐसा नहीं है तैयार हो यार, कुछ नहीं हुआ है, जो आपको वीडियो में दिखाता है बिल्कुल नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। आप बाउंड्री दिखाइए क्लियर, अभी एयरपोर्ट इसके अंदर में आएगा, इसका देखते हैं एंट्रेंस किधर से है। 3.3 किलोमीटर में आया हूँ हलवारा गाँव से, जो उधर में जहाँ से टर्न लिया था, जो नहर पकड़ा हूँ, सामने एक बस आ रही है, शायद इलेक्ट्रिक बस है, क्या है ये, ई रिक्शा तो एक दिख गया भाई,
ये आ गया इंट्रेंस, लेकिन मैं उधर जाऊंगा कैसे? रास्ता तो खोद दिया गया है, शायद पुल बन रहा है। ये भैया आपका, देखिए आप, एयरपोर्ट का अभी पुल बन रहा है नीचे। बेसिकली जो नहर है, तो नहर का ये ब्रिज बना रहा है, ब्रिज बनाएगा तो सामने देखिए फोर लेन जा रही है ना, ये अंदर में जाएगी एयरपोर्ट का। ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, अंदर में बिल्डिंग तो बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी टारमेक और में कुछ शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ से भी घुमाना पड़ेगा। आगे से ट्रक जा रही है, शायद वहीं जा रही है, तो एक बार मुझे देखता हूँ, हो सकता है आगे से कोई रास्ता हो, अंदर से भी एक बार देखता हूँ मैं। सामने से मेन रास्ता ये था, तो ये पड़ गया आपका 3.6 किलोमीटर पड़ गया, 3.6 किलोमीटर पड़ गया है आपका एयरपोर्ट। और आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट है कैसा, अंदर में चल के दिखाते हैं आपको। एक दूसरा रास्ता भी यहीं कहीं से, वो ट्रक जो था वो टर्न किया था, मुझे भी यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेना चाहिए, छोटा मोटा रास्ता। देखिए भैया कितना एफर्ट लगा रहे हैं यार आप लोगों को जानकारी देने के लिए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है आपका। और आपको रास्ता दिखाती है, ये रास्ता देखो, इस रास्ते में टायर तो पंचर हो जाएगा यार कार का, नीचे चैम्बर में बज रहा है, नीचे घर घर की आवाज आ रही है, टच कर रहा है बॉडी जमीन में इस, बहुत कैमरे में हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा गड्ढे, अभी आपको दिखाता हूँ। ये है भैया एयरपोर्ट, आपको एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर। ये है लुधियाना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हलवारा, सिविल एयरपोर्ट भैया इंटरनेशनल, जो यहाँ पे कहाँ की, एक तो कनाडा जाएगा और 3-4 देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ से, ये मुझे नहीं पता है, दिल्ली तो एक रहेगा ही रहेगा। प्रॉब्लम तब होता है जब आप यहाँ पे लुधियाना में रह रहे हो और अचानक अपने घर जाना हो, तो आपको यहाँ से मिनिमम चंडीगढ़ जाना पड़ता है फ्लाइट लेने के लिए, और वो दिल्ली लैंड करती है, फिर दिल्ली से आप अपने घर के लिए ले सकते हो। अभी क्या होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट दिल्ली अपने घर के लिए आप फ्लाइट ले सकते हो, मतलब कोलकाता जाना है तो यहाँ दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता। अब पहुंच गए भैया मेन एंट्रेंस पे, ये आपका अब तक का रास्ता था। अब आप यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हुआ है एयरपोर्ट। अब मैं आपको पार्ट टू बनाऊंगा इसके बाद में भैया, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, हम अंदर का वीडियो बाद में दिखाएंगे।